नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, आज CFM न्यूज़ चैनल द्वारा एक अभियान शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है अपना पार्षद कैसा हो। इसके तहत हमारे संवाददाता आसनसोल नगर निगम के हर वार्ड में जाएंगे और वहां की समस्याओं को सुनेंगे, जानेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अपने 5 साल के कार्यकाल में वर्तमान पार्षदों ने क्या क्या कार्य किए हैं, कैसे किए हैं, कितने कार्य किए हैं, उनसे वहाँ की जनता कितनी हद तक प्रसन्न है। तो आज हमारे संवाददाता मोहम्मद सद्दाम हम लोगों को लिए चलेंगे आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 19 सीतारामपुर में, जहाँ पे हम लोग जानेंगे वहाँ के लोगों से कि वहाँ के पार्षद ने कितने और क्या कार्य किए हैं। वहाँ पार्षद हैं तृणमूल के राजा चटर्जी और अपने कार्यकाल में उन्होंने लोगों की समस्याओं को कितना हद तक दूर करने का प्रयास किया है, कितने काम हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, इन सब बातों से आज आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। तो आज प्रथम चरण है, आइए चलते हैं आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 19 सीतारामपुर में और जानेंगे वहाँ की समस्याओं को या वहाँ पे कितने कार्य हुए हैं, अब पार्षद कितने हद तक अपने काम को करने में कामयाब हुए हैं। धन्यवाद। एकदम सब हम लोग को खाना सवार हो जाता है, मकान। अभी जो आपका यहाँ का मौजूदा काउंसिलर है वो यहाँ पे कितना काम किया है? यहाँ हम लोग का डेवलप कोई काम नहीं हुआ, हम लोग ग्राम का प्लस खासकर 19 नंबर वार्ड का हम लोग कोई डेवलप नहीं हुआ। अभी आप क्या अपेक्षा करते हैं, जो आने वाला आपका पार्षद हो वो किस तरह का होना चाहिए? हम लोग तो मतलब जब से यहाँ पर बसे हुए 20 साल से हम लोग तो जब से होश संभाले हैं कि हम लोग को यहाँ पर पार्षद जो है कोई हम लोग को ढंग का मिला नहीं, कोई काम हम लोग को नहीं। अभी आने वाला पार्षद कैसा चाहते हैं? आप हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को ग्राम विकास हो, डेवलप हो, हम लोग 19 नंबर वार्ड का जो है अच्छा पार्षद हो, अच्छा काउंसिलर हो, हम लोग भी उसके साथ में रहेंगे और जो हम लोग उसके साथ में काम भी करेंगे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद सद्दाम CFM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 19 उल्टी ब्लॉक के, वार्ड नंबर 19 में अभी मैं मौजूद हूं। यहां पे यहां के लोग जो हैं वो अपने वार्ड पार्षद के बारे में हमें क्या जानकारी देंगे या 19 नंबर वार्ड में 5 साल के कार्यकाल में, वार्ड पार्षद के 5 साल के कार्यकाल में कितना हद तक काम हुआ है, इस बारे में हम लोग आज जानेंगे। पार्षद आप चाहते हैं? हम लोग पार्षद काम करने वाला चाहिए, जोर मोहल्ला में काम करे, अच्छा काम करे, घूम घूम के देखे काम, तो वही चाहिए। अभी आपका बस्ती में आप लोगों को क्या क्या जरूरत है? हम लोग अभी पानी जरूरत है, रोड जरूरत है, नाली जरूरत है। आपका नाम क्या हो? राजेंद्र। पाड़ा में यहाँ का पब्लिक जो है हमको क्या जानकारी देते हैं अपने वार्ड काउंसिलर के बारे में, किस तरह का काम हुआ यहाँ पे भी, वो हम अभी पब्लिक से जानेंगे। ताल पड़ा। अच्छा, इसका वार्ड पार्षद, वार्ड काउंसिलर कौन है? राजा बाबू, राजा चटर्जी। अच्छा, अभी आप लोगों का बस्ती में क्या क्या काम जो है राजा चटर्जी के द्वारा हुआ है? अभी तो देखिए गली उली सब तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, पानी भी अभी नहीं गली में घुसा है। अच्छा, टंकी में पानी भी नहीं देता वो। अच्छा, पानी पहले दे रहा था, अभी बंद कर दिया। अच्छा, पहले दे रहा था पानी, अभी बंद कर दिया। अरे सब छोटा मोटा काम होना चाहिए। अभी आप लोगों को सबसे जरूरत और जरूरी चीज क्या क्या है आप लोग? अभी देखिए पानी का जरूरी है, गली जो है उसमें डेन उन कुछ नहीं हुआ, डेन सफा नहीं हुआ, बनाई तो नहीं किया। आप लोगों के पास में वो आते हैं? नहीं आता, कभी आता नहीं, कभी कभी नहीं के जाने पड़ता है। वो जाते तो चिल्लाता भी, वहाँ जाके वहाँ से सब कतार में झाड़ देता है, जो तो बोल देता है। अच्छा, हम लोग को बोले वाला नहीं है कोई, इसलिए बोलता। तो किस तरह का बात आप लोगों को वहाँ पे बोलता है, आप लोग किस लिए जाते हैं उनके पास में? कुछ भी काम रहता उसको बोले जाते, मतलब कुछ मतलब थोड़ा भी गलत बोल दिए, कुछ गलत भी नहीं बोले, वो जोर से चिल्ला के बोलता है। अच्छा, मतलब वो हेकड़ी दे के बोलता है। अच्छा,
तो आप लोगों को अभी सबसे ज्यादा जरूरत क्या है यहाँ पे आपका बस्ती में? वही कल पानी का सबसे ज्यादा जरूरत पानी पानी का जरूरत पानी का जरूरत पानी का तो खैर समस्या जो था उसका समाधान तो यहाँ के मेयर साहब जो है वो कर चुके हैं कि बस्ती में घर घर में नल लगेगी, ठीक है। लेकिन अभी जो आप लोगों को पीने का पानी उसके अलावा नहाने का भी जो पानी है वो मिलता है या नहीं मिलता, बोरिंग या सबमर्सिबल ये सब नहीं मिलता? नहाने का पानी मिलता है। अच्छा, और पीने का भी पानी लग गया है मतलब आवास योजना के तहत जितने भी घर बनाने की योजनाएं थी? हाँ। तो यहाँ पे कितने लोगों का घर बना? एक गोटा दिया था पैसा 30,000 राजा चेटर जी के पास ना कहाँ पर दिया था उसका भी पैसा डूब गया। अच्छा, अभी आप लोग किस तरह का काउंसलर को देखना चाहते हैं? किस तरह का काउंसलर, कैसा काम करने वाला, किस तरह का? हम लोग देखने वाला चाहते हैं जो हम लोग का मोहल्ला बार बार आए, हम लोग का समस्या सुने, हम लोग को थोड़ा इज्जत दे, हम लोग का क्लब बना दे। यहाँ पर हम लोग बनाने की कोशिश किए थे मतलब तो कोई सपोर्ट नहीं किया, इसलिए हम लोग नहीं बना सके। ऐसे कौन सी देखना चाहते हैं जो बार बार हम लोग को जाना नहीं पा। पार्षद जो है 19 नंबर वार्ड का जो पार्षद है वो क्या क्या काम किया है आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में? सत्र में यही काम हुआ है, देखो नल इधर बना है, माटो रोड बना, बस यही बात और कुछ नहीं हुआ। और आप लोगों को क्या क्या चीज़ की जरूरत थी? बहुत है, गरीब आदमी, घर द्वार नहीं बना है, सब कुछ नहीं बना है, बहुत कुछ का प्रॉब्लम है। यहाँ पे किसी लोगों ने कहा कि घर के लिए अप्लाई किया गया था जबकि एक बार में पैसा भी शायद पैसा भी ले लिया, कितना घर का सुनते हैं, उसका भी कुछ नहीं हुआ है, 5 साल खत्म होने वाला है, काम भी नहीं कर रहा है। सबका पैसा भी बहुत ले लिया है, 5-6-7 आदमी लेटरिंग भी, तो खैर लेटरिंग तो पैसा खाई गया, जो भी बना है, जो अपना सपना लगाया है, किसी कुछ मिला नहीं मिला, कोई काम भी नहीं जा रहा तो जा रहा है, तो कोई काम नहीं कर रहा। अभी आप लोग कैसा वार्ड पार्षद चाहते हैं अपने बस्ती में, किस तरह का वार्ड पार्षद होना चाहिए? वार्ड में चाहिए जैसे मेरे झोल मेरे झोल, कैसा वार्ड पार्षद कैसा होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, किस तरह का काम आपके बस्ती में होना चाहिए? जैसे आपका जैसे नाली हुआ, गरीब का घर नहीं है, ड्रेन हुआ, घर द्वार नहीं है वो होना चाहिए, मेरे झोल नहीं है वो होना चाहिए, और राशन दुकान जो वहाँ हम लोग उतना दूर जाते हैं बेरली, हम लोग का बस्ती में होना चाहिए, ऐसा हम लोग वार्ड कमिश्नर चाह रहे हैं। लेकिन वैसा वार्ड कमिश्नर अभी तक हम लोग को नहीं मिला। आज जो गरीब घर का पैसा दिया था वो घर का पैसा सुन रहे कि खाओ लिया, कुछ नहीं, 5 साल कुछ और ड्रेन का पैसा दिया वो खा लिया, मतलब 5 साल में जो आपका कारपोरेशन हो गया, कारपोरेशन में तो बहुत काम होता है, जो काम हुआ मेरा हिसाब से कुछ काम नहीं हुआ, जो हिसाब से कारपोरेशन में काम होना चाहिए था वो हिसाब से काम नहीं हुआ, और काम बेहतर होना चाहिए। बस हम लोग वही चाहते हैं कि कोई अच्छा वार्ड कमिश्नर हम लोग को मिले जो हम लोग का मोहल्ला का उन्नति हो, मोहल्ला तरक्की पे जाए, और हम लोग को कुछ मिले। ठीक, थैंक यू। कितना नंबर वार्ड पड़ता है ये? 19 नंबर वार्ड। यहाँ पे आपका जो काउंसलर है अभी वो कौन है? राजा चटर्जी है। किस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं? वो तो अभी तो TMC में, पहले वो मैंने बीजेपी से। अभी आप लोग का बस्ती में काम हुआ है कुछ भी पार्षद के जरिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या क्या काम आप लोगों को जरूरत है अभी? जरूरत हम लोग का सबसे मस्त तो पानी है, उसके बाद रोड है, नाला है, और हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को तो यही चाहिए, लेकिन कभी तो देखने के लिए भी नहीं आया हम लोग को। इतना दिन 6 महीना लॉकडाउन हो गया, 7 महीना, लेकिन एक दिन भी अगर यहाँ देखने के लिए आता तो जानते कि यहाँ देखने के लिए आया। तो अभी आप लोगों का क्या चाहत क्या है अभी आप लोगों का कि बस्ती के लिए कौन सा ऐसा काम हो जाए? पानी, पानी पहले सबसे बड़ा, हम लोग को पानी चाहिए, पानी और रोड। इसके लिए हम लोग विरोध भी करने के लिए हम लोग सब मैंने मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोग विरोध करेंगे, रोड पर उतरेंगे, पहले हम लोग मैंने थाना में कंप्लेन करेंगे, उसके बाद हम लोग रोड में भी उतरेंगे। सब जगह पानी के लिए हो रहा है, हम लोग के हाहाकार मचा हुआ पानी के लिए एकदम यहाँ से लेकर आजाद लोगों का जो रास्ता है, नाली है, इस तरह कोई असुविधा? बहुत असुविधा है, बहुत असुविधा है। पार्षद द्वारा यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ, बोल तो रहे हैं कुछ नहीं हुआ, यहाँ देखने के लिए तो आता ही नहीं है, तो काम का दबाव छोड़ दिया। आप लोग का यहाँ पे टोटल कितना जनसंख्या, यहाँ क्या होगा? जनसंख्या कम से कम 7,000 से ऊपर है। राजल दास, 19 नंबर वार्ड। किस पार्टी से बिलोंग करेगा? BJP। अभी आपके वार्ड में किस तरह की समस्या है? समस्या सभी है, लाली तो हुआ नहीं आज मोटा मोटी 10 साल से, लाली नहीं हुआ, रास्ता भी नहीं हुआ, कोई पोल भी लाइट नहीं चलता हम लोग के एरिया में, पानी आज हर जगह में टंकी से पानी पहुंचाया जाता है, यहाँ पानी भी नहीं मिलता, किसी को आज तक कोई तिरपाल या कुछ भी नहीं दिया। इस तरह का समस्या पूरे वार्ड में आपका? हाँ।
तो अभी जो है आप लोग किस तरह का पार्षद जो है आप चाहते हैं, अगर आप पार्षद के रूप में यहाँ पे रहते तो किस तरह का काम करते अपने वार्ड में? हम लोग तो अभी तक यहाँ किसी का रेशन कार्ड आधार कार्ड नहीं बना, वो देखने होगा, नाली का काम करना होगा, सबका घर टूटा हुआ है हम लोग के यहाँ पर, वो सब देखने होगा, पहले ये सब समस्या दूर करने होगा यहाँ के सब। अगर आपकी पार्टी आती है हाँ, और आप अगर पार्षद के रूप में आते हैं तो किस तरह का काम यहाँ पे आप करिए? पहले तो हम अपना रास्ता घाट सबका, किसी का घर नहीं है, ये सब देखने होगा, खूब बेकारी ज़्यादा है यहाँ पर, ये सब कुछ समस्या दूर करने होगा। यहाँ से बहुत सा फैक्ट्री है लेकिन सब वही लोग का, सब लड़का लगा हुआ, हम लोग को कोई लड़का घुसने नहीं देता। हम चाहते हैं अगर हम लोग को पार्टी आएगा तो हम लोग जो ही करेंगे उन लोग को डेवलप किस तरह का करते हैं बस्ती में, रोड का, रास्ता का, नाली का? पहला रोड उसके बाद नाली मस्ट इधर का। आवास योजना के तहत यहाँ पे कितना काम है? कुछ नहीं। ठीक, थैंक यू। का मौजूदा पार्षद है ये कौन से, तो वो किस तरह का काम आपके बस्ती में इस वार्ड में किया? अब देखिए काम तो किया हुआ है, नज़र आपको आ रहा, पूरा काम किया हुआ। बरसात का मौसम पूरा इधर जाता है, बहुत आदमी बेघर से घर हो जाता है, आप तो देखिए रहे। अभी आने वाला जो पार्षद, जो यहाँ का आने वाला पार्षद रहेगा, वो किस तरह का पार्षद को आप देखना चाहते हैं? बढ़िया, हम लोग को बढ़िया काम हो, कोई चीज़ का तकलीफ नहीं हो, बस यही चाहिए, हम लोग चाहिए किया। मौजूदा काउंसिलर जो 5 साल था, वो 5 साल में आप लोगों का कितना काम किया, कितना बात आप लोगों का सुना? कुछ नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ, ये वार्ड में कोई मेरे तरफ काम ही नहीं हुआ, हम लोग कितना बार गए बोले कुछ नहीं। थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम टिंकू वर्मा, आसनसोल बीजेपी का जिला युवा नेता, और इससे पहले हम काउंसिल इलेक्शन में 18 नंबर वार्ड में खड़े हो चुके हैं। बोलिए। अभी जैसा वार्ड नंबर 19 में मैं मौजूद हूँ, यहाँ का जो पब्लिक है, आम जनता जो है, वो अपने पार्षद के बारे में कुछ अच्छा कुछ बुरा बताए, जितना वो काम किए उस बारे में हमें जानकारी दी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जनता ने आरोप लगाया है कि यहाँ का जो वार्ड पार्षद है, बहुत ऐसे जनता ने आरोप लगाया है कि वार्ड पार्षद जो है राजा चटर्जी, परवीर कुमार चटर्जी, वो बीजेपी पार्टी से तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किए थे, उसके बाद से लेकर के अब तक अपने वार्ड में आवास योजना के तहत बहुत ऐसा काम नहीं कर पाए, नाली ड्रेन बहुत ऐसा समस्याएं थी इस वार्ड में जो कि उन्होंने पूरा नहीं कर पाया, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? पहले तो हम आपको बता दें, जो आपका पहला प्रश्न था कि बीजेपी से जीत के वो टीएमसी में गया, तो ये पूरा वार्ड जो है ना बीजेपी समर्थित होने के कारण उनको वोट मिला, तभी वो जीत गया। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, कि मिस्टेक नहीं बोल सकते आप इसको बोल सकते हैं कि हम लोग थोड़ा, हमारे जिला सभापति जब उस समय के तत्कालीन जिला सभापति थे, वो भावना में भाग के एक दूसरे जगह के लोगों को टिकट दे दिया गया यहाँ, और टिकट देने से ये हाल था कि जीत तो भाजपा का हुआ है, तो ये वार्ड भाजपा अंचल का हिसाब से, वो थोड़ा सा अपना मानसिकता चेंज हुआ, चाहे इसको बोलिए लालच या बोलिए अपना लाभ, अगर जनता का लाभ होता तो आप अब यही क्वेश्चन नहीं करते कि राजा चटर्जी का जो ये कार्य है इस पे आप चर्चा नहीं करते, तब आप बोलते टिंकू भैया आप घर में रहिए, हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो आप देखिए फिर वो 5 साल के बाद आप कैमरा लेके पहुँच गए, काम हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर भाजपा के साथ जो मौजूदा काउंसिलर है उन्होंने विश्वासघात किया, उनके बारे में हम यही कह सकते हैं। अब रहा आपके इस कार्य का साफ सफाई हुआ कि नहीं, तो आप देखिए 5 साल से अभी तक पानी चू रहा है, देखिए आप उधर देख सकते हैं, लेडीज़ लोग इस तरह से खड़े हैं, आज भी पानी नहीं मिला, और थोड़ा सा 10 कदम आगे जाइए, इतना ख़राब डस्टबिन का सेंट आ रहा है, गंद आ रहा है, जो 18 नंबर और 19 नंबर वार्ड का बॉर्डर अंचल है, आप उसका भी तस्वीर जरूर ले लीजिएगा, इतना ख़राब गंद आ रहा है। तो ये काउंसिलर अगर कुछ कार्य करते, अगर आप टीएमसी में भी किए तो आप कार्य तो कीजिए, आप स्वच्छ भारत का नाम कर दे रहे हैं, मिशन বাংলা সাফাই নিজের নাম দিয়ে চালাচ্ছেন, তো আপনারা ভালো করে কাজটা করুন, তারপরে না কিছু কাজটা পারবেন। আজকে কি করেছেন, স্বচ্ছ ভারত অভিযান কে নাম সে ধজিয়া উড় রা পর, তো ইয়ে কর্পোরেশন যে কর্পোরেশন এই কর্পোরেশন কা কার্য সমঝ মে নেই আরা, এই 5 সাল মে ইনোনে ক্যা কার্য কিয়া হমকো তো অভি তক সমঝ মে নেই আরা, তো ইয়ে কার্য আগর দিখতা সাফ সাফাই কা তো আপকো উস তরহ সা গন্দগি নেই দিখতা, তো আনে ওয়ালা সময় মে 2020 ইয়া 21 মে জব ভি नगर निगम का चुनाव होगा
भारतीय जनता पार्टी फिर 19 नंबर वार्ड में जीत हासिल करेगी और हम लोग इस क्षेत्र का पूरी जोर तोर से विकास करेंगे। आगे जो यहाँ का उन्नयन का काम है, अगर इस पार्षद इलेक्शन में, जो आने वाला पार्षद इलेक्शन है, काउंसिलर इलेक्शन है, इसमें अगर आपकी पार्टी से अगर यहाँ पे काउंसिलर या पार्षद बनती है तो उसके बाद यहाँ का कार्य जो है किस तरह से करेंगे? एकदम युद्ध स्तर पर होगा। मोदी जी का पैसा सीधा यहाँ आएगा, सेंट्रल का पैसा सीधा यहाँ आएगा, इसलिए कि जो एमपी को आप जिता के भेजते हैं, जो एमएलए को आप जिता के भेजते हैं, जो काउंसिलर को आप जिता के भेजते हैं, सबका एक तो पैनल बना हुआ है। एमपी का सीधा पैसा आपके ग्राम तक आ सकता है, एमपी का सीधा पैसा आपका पंचायत तक आ सकता है, एमपी का सीधा पैसा यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं ये जो पानी का जो काम चल रहा है युद्ध स्तर पर पूरे निगम क्षेत्र में, आसनसोल में जिसका पिता मेयर सब काट रहे हैं, ये 60% पैसा केंद्र सरकार का है और वो भी माननीय बाबू सुप्रियो जो हमारे एमपी है उनके दबंग और उनके प्रभाव से पैसा को यहाँ लाया गया। उन्होंने सबसे पहले जीत के 2014 में 9,999 करोड़ रुपया यहाँ सेंक्शन किया था जिसके लिए पानी के लिए, लेकिन वो पानी आपको मिलना चाहिए था 2014 और 2015 माने पानी आपको 3 साल पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन ये पानी का पैसा से ये लोग पार्क बनाया, देखिएगा बहुत जगह 2 करोड़ 1.5 करोड़ का पार्क बना हुआ है, उस सब फंड का पैसा को ये लोग बर्बाद किए। और आज जो ये लोग पानी में इतना दिलचस्पी दिखा रहे हैं, यही दिलचस्पी अगर उस समय दिखाते तो आज जनता को इस तरह से वहाँ खड़ा होकर देखिए हमारे माता और बहनों को किस तरह से खड़े हैं, तो ये हाल नगर निगम का है। धन्यवाद सर। अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 19 के कांग्रेस प्रतिनिधि सिराजुल साहब के पास में, इनसे जानेंगे कि वार्ड में किस तरह का काम होना चाहिए या वार्ड में कितना काम हुआ है और ये पार्षद के रूप में अगर ये सामने आए तो कितना काम करेंगे। आइए। अभी जैसा कि वार्ड में आपका परिस्थिति चल रहा है, लोगों ने बहुत तरह की बातें कही हैं कि बहुत ऐसे काम होना अभी बाकी है, बहुत ऐसा काम नहीं हो पाया है और जिस तरह से आपका वार्ड पार्षद अभी जो है वो है राजा चटर्जी, प्रवीर कुमार चटर्जी, तो उनके द्वारा बहुत ऐसा खामियां देखी गई पब्लिक ने या आम जनता जो है आपके वार्ड के, उन लोगों ने बहुत तरह का आरोप उन पे लगाया, ये किस हद तक सही है किस हद तक सच है? आपको तो मालूम है, ये जनता तो बता दिया होगा ये क्या काम किया है नहीं किया, और आप जाकर रास्ता देखिए, यहाँ से लेके आपका स्कूल तक एक भी नली नहीं है, रास्ता जहाँ कोरा है, कोई डिलीवरी केस लेके जा रही है, कोई आदमी को लेके जा रहा है, हम लोग जनाजा भी पार होता है, सब में ठोकर लग लग के जाते हैं। इसी कारण से आज एक भी रास्ता लल्ली कुछ नहीं है, जनता उसका पर खपा हो गई, इसी कारण हो गई है, ऐसा हो गया है, ये आज हम लोग का कुछ आदमी लोग घर बनाने के लिए पैसा दिए 35,000 रुपया करके, एक भी घर नहीं बना है। हम उस जगह में काउंसिलर रहते हैं 3 साल, हम अपना जनता के लिए लल लूड़ के हम लोग घर बनाने का कोशिश करते हैं और लल्ली को भी बनाने का कोशिश करते हैं, रास्ता भी बनाने का कोशिश करते हैं हम लोग का, इंशाल्लाह आप लोग का, आप जान रहे हैं ये काउंसिलर खाली बोली में बिक्री है, कोई भी आदमी जाता है ये बोलता है फलाने जगह से आए हैं, बोले नहीं तुम हमको भोज नहीं दिया है, हम तुमको काम नहीं करेगा, भगा देता है। आप सोचिए शायद 50 रुपया खर्चा करके जाते हैं, 50 रुपया खर्चा करके आते हैं और लड़के औरत लोग को कोई काम नहीं करता है, इसी कारण से जनता उसका खपा है। आने वाला जो चुनाव है अभी विधानसभा है, विधानसभा के बाद जो काउंसिलर इलेक्शन है, तो यहाँ के लिए आप फिर से तैयारियां कर रहे हैं? हाँ, हम 5 साल जनता का बीच में, जनता हमको बोला ये तुम बीच में रहो, मेरे लोग साथ में रहो,
कोई भी रात बिरात 12 बजे 1 बजे रात में हमको आवाज देता है जनता, ये मेरा घर में ऐसा हो गया, हम जाकर एकदम इलाका में जाकर खड़ा हो जाते हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम मोहम्मद सराजुल कुलटी ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद सद्दाम कोलफील्ड मिरर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग वार्ड नंबर 19 के पार्षद द्वारा 5 साल किए गए कार्य के बारे में हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी जानकारी दे रहे थे। इसी दौरान जब हमारी टीम ने राजा चटर्जी से संपर्क करने की कोशिश की तो वो अस्वस्थ होने के कारण हमसे मिल नहीं पाए, लिहाजा हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट करके फ़ोन पे बात की। फ़ोन पे बात करने के बाद राजा चटर्जी ने हमें क्या बताया, आइए हम आपको बताते हैं। उन्होंने बताया कि हमने अपने वार्ड में सड़कें बनवाई हैं जो कि लगभग 3 किलोमीटर है। सड़क में हम लोगों ने पुलिस कैंप से लेकर के पुराना सीतारामपुर तक सड़क का कार्य करवाया। उसके बाद राजा चटर्जी ने बताया कि हमने ड्रेन का भी काम कराया, 10 सबमर्सिबल लगवाए, 4 हैंडपंप लगवाए और बहुत सारे कार्य किए। जब उनसे हमने रूपाश्री के बारे में पूछा कि रूपाश्री योजना के तहत आपने क्या काम किया, तो उन्होंने हमें बताया कि हमने 55 से 56 लड़कियों को रूपाश्री के तहत पैसा दिलवाया। दोस्तों और आगे की कार्रवाई हम अपने चैनल के माध्यम से जानेंगे। आपका CFM चैनल में हार्दिक दिल से स्वागत।